नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आरएन टुडे न्यूज़। मुंबई की अंधेरी के मेयर हॉल में फिल्मी आर्थिक सामाजिक जगत की मशहूर हस्तियों के बीच भारत करमवीर सम्मान 2023 का सफल आयोजन किया गया। बता दें कि भारत करमवीर सम्मान 2023 का आयोजन मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार रितेश पाठक ने किया था, तो वहीं भारत करमवीर सम्मान के मुख्य अतिथि भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी रहे। वहीं स्पेशल गेस्ट के तौर पर कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर फिल्म एक्टर अली खान की मौजूदगी रही। तो वहीं इस अवार्ड शो में एक्टर फैयाज खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस मॉडल जीनी जॉर्ज और मॉडल एक्ट्रेस पूनम राजपूत भी इस कार्यक्रम में पहुंची। भारत करमवीर अवार्ड शो में मुख्य आकर्षण का केंद्र भजन सम्राट व अनूप जलोटा जी रहे। भारत करमवीर सम्मान के आयोजक पत्रकार रितेश पाठक के प्रथम अवार्ड शो की तारीफ करते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि आगे चलकर यह कार्यक्रम और बड़े स्तर पर आयोजित होगा और रितेश पाठक का पहला अवार्ड शो सफल रहा, वे आगे भी इस तरह के अवार्ड शो करते रहेंगे। वहीं भारत करमवीर सम्मान 2023 का बेस्ट यंगेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड जैसो प्रेसिडेंट सुभाष वडाला को भजन सम्राट अनूप जलोटा के हाथों दिया गया। इसके साथ साथ अनूप जलोटा जी के हाथों दिलीप पगारिया को बेस्ट हैंडक्राफ्टेड एंटिक ज्वेलरी, विजय कोठारी को बेस्ट मेटल बिजनेसमैन, टू वेल्थ कंपनी के कृष्णकांत जैन को बेस्ट बिजनेसमैन कन्यूटी, संजय सियाल को अंगदान प्रदाता मुकेश प्रमेचा, गोविंद सिंह, राज पुरोहित, पूजा वर्मा को बिजनेसमैन सोशल वर्कर अवार्ड मिला। तो वहीं अजय दुबे, प्रमोद मिश्रा, राम तिवारी, विशाल भगत, पप्पू सिंह, राम तिवारी, नंदन सिंह, सुंदरी ठाकुर, डॉक्टर अनुर कुमार, सोनी, सुशील मिश्रा, मिथिलेश पाठक, आरपीएफ की राधिका आड़के को बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड शो मिला। वहीं आशुतोष पांडे, दीपक माली को स्पोर्ट्स अवार्ड, एक्ट्रेस मॉडल जीनी जॉर्ज, पूनम राजपूत को फिल्मी के अच्छे किरदार के लिए, इंटरनेशनल परफॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस शीरीन फरीद को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, प्रोफेसर डॉक्टर सौंदर्या गर्ग को बेस्ट एंकर अवार्ड, ललित टॉक को बेस्ट फोटोग्राफर, उमेश रामपुरिया को बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर, राम कुमार पाल, पारस चापलोत, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, राजेश सुराणा, गो सेवक सुशील मिश्रा, मिथिलेश पाठक को आइकॉनिक सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखते रहिए आरएन टुडे न्यूज़। बहुत इनकी मेहनत का परिणाम है, एफर्ट्स का परिणाम है कि यहाँ इतने सारे लोगों को सम्मानित किया गया जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए हैं। जब सम्मान मिलता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती कि भाई अभी तक जो किया उसका ये सम्मान मिला है, अब इससे बढ़ के काम करें, क्योंकि आप ही लोगों में ऐसे लोग हैं जो आगे चल के नेशनल अवार्ड प्राप्त करेंगे, पद्मश्री प्राप्त करेंगे, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो लोग कोई ऊपर से थोड़ी बन के आते हैं, यहां आके उनको बनना पड़ता है। ईश्वर मनुष्य को निर्मित कर देता है, उसके बाद उसको अपना निर्माण स्वयं करना पड़ता है कि वो इस समाज में आदर पा सके, इज्जत पा सके। तो वो आप लोगों ने किया है, आज आप लोगों को इतना सम्मान मिला है, इसके लिए मैं पाटिल जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को आपने सेलेक्ट किया, चुना। और ये भी मुझे विश्वास है कि आगे चल के इस अवार्ड का जो रूप है वो और भव्य होगा, बहुत बड़ा रूप होगा। जैसा कि बता रहे थे कि नेक्स्ट जो अवार्ड फंक्शन हुआ नवम्बर में या आगे चल के वो 5-स्टार होटल में होगा और उसमें पहली बात तो मैं रितेश जी को बधाई देना चाहूँगी कि इतना सक्सेसफुल अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया करमवीर धर्म सम्मान और मुझे बुलाया इसमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे जो भजन सम्राट है अनूप जलोटा जी, उनके हाथ से मुझे सम्मानित किया गया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई बहुत सक्सेसफुल रहा अवार्ड फंक्शन और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है कि रितेश पाठक जी इसी तरह से अवार्ड फंक्शन करते रहे और हमें बुलाते रहे और सम्मान।
सम्मानित कर रहे हैं। सर, आप अपने भारत गर्व में सम्मान और देश के बारे में देखेंगे, पत्रिका पत्रकारिता बहुत बड़ा स्तंभ है किसी देश के, और इस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पाठक साहब अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है एक कर्मवीर सम्मान करते हैं, तो कर्म अपन जो करते हैं बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस अपना अपना प्रोत्साहन अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इसके संदर्भ में उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके लिए प्रोग्रेस करते रहे, और मुझे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के संदर्भ में, प्रोफेशनल कंटिन्यूटी प्लानिंग के संदर्भ में श्री अनुप चंद्रा जी के हाथ से यहाँ से सम्मान दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। फिल्म एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो गई है, पर मुंबई में रिलीज़ हो रही है 20 सितंबर के बाद, तो बस आप लोग दुआ करें कि फिल्म मुंबई में भी जैसे आगरा में दिल्ली में सब जगह पे फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है, तो वैसे मुंबई में भी अच्छे से रिलीज़ हो और अच्छे से बिजनेस करे, और मुंबई का फिल्म का नाम है मुंबई टू आगरा। तो अपने क्षेत्र में जो कुछ कमाल करना है उसको कर्मवीर सम्मान दिया जाता है, भारतीय कर्मवीर सम्मान अलग अलग क्षेत्र के लोगों को दिया गया, उनसे बहुत खुशी है, मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने उन सबको सम्मानित किया। नितेश पाठक जी का तो बहुत सुंदर प्रयास है कि ऐसे लोगों को चुनना, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को चुनना और उनको सम्मानित करना। इसमें कुछ लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के भी थे, कुछ लोग अंगदान एसोसिएशन थे, CBI के भी लोग थे, जो लोग हमारे देश को एक अच्छा स्थान देते हैं, ऐसे लोग जो देश की प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं पहले तो पाठक जी को धन्यवाद देता हूँ, और उसके बाद उन सबको जिन्होंने ये सम्मान स्वीकार किया।